दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये हमारे लेक्चर का पार्ट नंबर 9 है। इस लेक्चर के अंदर हम अपना जो कार्ट वाला पेज है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम अपने कोड एडिटर के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और हम अपना ये जो हमारा कार्ट वाला पेज है, कार्ट का पेज डिज़ाइन करने के लिए पहले हमें हमारी वेबसाइट है उस पर मैं एक दो प्रोडक्ट डाल देता हूँ कार्ट के अंदर, कि हमारा जो कार्ट का प्रोजेक्ट है वो कैसा रहेगा। तो इसके लिए मैं एक दो प्रोडक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और एक ये डाल देता हूँ। तो कुछ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऐड करवा दिए हैं कार्ट के अंदर, तो उससे हमारे को पता रहेगा कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैसी बना रखी है और पेज को कैसा डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने यहाँ पे भी इसको एक लिंक बनाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हम अपने कार्ट वाले पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। ये नेट की वजह से एरर दे रहा है, तो मैं इस पेज को एक बार रीलोड करता हूँ, ठीक है। वो नेट स्लो होने के कारण हमारा चला गया है। नेट अभी स्लो है, ठीक है। तीन प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास, व्यू कार्ट करते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमने अभी ऐड किए हैं, ठीक है। और ये इनका कैलकुलेशन है, ये बटन है कंटिन्यू शॉपिंग और प्लेस ऑर्डर का, ठीक है। तो इस तरह का हम पेज डिज़ाइन करेंगे अपना कार्ट का। और ये जो ऊपर आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 3 आइटम है और 165 रुपये का आपने आज तक ऑर्डर कार्ट में डाल रखा है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी लिंक बनाते हैं कोड एडिटर के अंदर। होम के अंदर हम जाएंगे हेडर में, और हेडर के अंदर हमें जाना है H6 के अंदर। H6 के अंदर हम इसको बना देते हैं लिंक, ठीक है, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा लिंक बन गया है, और इस जो लिंक को हमें कलर देना है वो वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब इस पर हम लिंक लगा देते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये कार्ट के वाले पेज पर चला जाए। बेस URL, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंदर कार्ट क्लिक करते हैं हम इसके ऊपर, ये कार्ट वाले पेज पे जा रहा है। अब इसके अंदर हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, होम कंट्रोलर के अंदर कार्ट के नाम से कॉपी पेस्ट कार्ट लिखाया हमने, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी हमने यूज़र साइन इन वाला पेज लोड किया हुआ है, इसलिए अब हम इसको लिख देते हैं माय कार्ट के नाम से, माय कार्ट, ठीक है। अब अभी तक माय कार्ट के नाम से इसमें कोई भी पेज नहीं है, तो इसलिए नॉट फाउंड दिखा रहा है। अब हम चलेंगे होम के अंदर, न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनाने की जगह हम एक काम कर लेते हैं, जो यूज़र साइन इन वाली फाइल है उसी को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट कर देंगे। तो इसको बना देते हैं माय कार्ट डॉट PHP, ठीक है। रीलोड करते हैं एक बार, आ गया पेज हमारा। अब हमें क्या करना है कि जो यूज़र का जो हमने फॉर्म बना रखा है उस वाले सेक्शन को हम हटा देते हैं और ये हेडर फुटर को रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ये हमारा हो गया। अब हमें इसका टाइटल देना है कार्ट, कार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट रहेंगे। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है 2 प्रोडक्ट है कार्ट के अंदर। अब डिज़ाइन करते हैं, इसमें 2 कॉलम बना रखे हैं, एक कॉलम में माय कार्ट का कार्ड है और एक के अंदर प्राइसिंग डिटेल है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम है हमारा आर्ट का है और ये वाला हमारा 4 का है। तो एक कॉलम बनाते हैं सबसे पहले कार्ड सेक्शन, और इसके अंदर रॉ
कॉलम, कॉलम एल स्क्रीन पे 8, एम पे रहेगा 7 और एस पे रहेगा 12। इसी तरह से जो दूसरा कॉलम है वो लार्ज स्क्रीन पे 4 का रहेगा, मीडियम पे रहेगा 5 का और स्मॉल स्क्रीन पे रहेगा 12 का। ठीक है, अब इसके अंदर बनाते हैं हम हमारा कार्ड। कार्ड की क्लास लिखते हैं कार्ड, और कार्ड के अंदर हमें क्लास देनी है कार्ड कंटेंट। ठीक है, अब इस कार्ड कंटेंट के अंदर हमें सबसे पहले हेडिंग देनी है माय कार्ड, तो इसको हम दे देते हैं H5 माय कार्ड। और माय कार्ड के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका ये टोटल आ जाएगा कि 2 है या 3 है। ठीक है, ये आ गया। और हमें क्या करना है, अब इसके नीचे बॉर्डर लगानी है, तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड RGBA में लगाते हैं। ठीक है, ये हमने बॉर्डर लगा दी, अभी नहीं दिख रही, जब हम प्रोडक्ट डालेंगे तो इसके अंदर हमें बॉर्डर भी दिख जाएगी। और हमें क्या करना है इसके अंदर, ये तो हमारा हो गया ये वाला कंटेंट, अब दूसरा एक कार्ड कंटेंट बनाते हैं जिसके अंदर हमें हमारी प्रोडक्ट की लिस्ट रखनी है। ठीक है, इसके अंदर भी हमें DIV लगाना पड़ेगा, रो कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DIV क्लास रो, DIV क्लास कॉलम। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि एल स्क्रीन पे हमें इसको कर देते हैं 3 कर देते हैं, और मीडियम पे भी 3 रहेगा, एस पे ये रहेगा 12। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ है वो इस वाले कॉलम में आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 रहेगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमें दिखानी है इमेज, इमेज SRC क्लास दे देते हैं, रिस्पॉन्सिव इमेज। ठीक है, और जो इसका पाथ है BaseURL एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर logo.png। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। और हमें क्या करना है, जो हमारा अगला जो कॉलम है उसमें टाइटल दिखाना है, टाइटल हमारा रहेगा H6 के अंदर, यानी कि प्रोडक्ट टाइटल। इसके बाद हमें क्या दिखाना है, H5 में दे देते हैं इसका अमाउंट, रुपीज साइन का हमने फॉन्ट ऑसम का आइकन लगा दिया है यहाँ पे 150 रुपये। ठीक है, और इसके नीचे H6 की लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि इसने कितना आइटम लिया है और उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, और इसके नीचे H6 के नीचे हमने 2 बटन बना रखे हैं, एक बटन है व्यू आइटम के नाम से और दूसरा बटन है रिमूव आइटम। इसको लिख देते हैं हम व्यू आइटम, और इसको क्लास दे देते हैं BTN वेब, BTN फ्लैट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा दूसरा बटन है। ये हो गया हमारा, 2 बटन बना दिए हैं हमने, टाइटल आ गया, अमाउंट आ गया और ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, ये तो हो गया एक प्रोडक्ट।
अब हमें जैसे इसको लूप में डाल देते हैं तो ये तीन चार प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि पांच प्रोडक्ट डाल देते हैं इसके अंदर और आई प्लस प्लस करेंगे तो हमारा लूप पांच बार चलेगा और ये लिस्ट हमारी पांच हो जाएगी। ठीक है, एंड फॉर कर देते हैं इसको, तो ये अभी पांच तक चल रहा है। ठीक है, पांच तक लिस्ट हमारे पास आ रही है। अब हमें क्या करना है कि एक और कार्ड बनाना है जिसमें प्राइस डिटेल दिखानी है। ठीक है, तो जो हमारा कॉलम नंबर, ये जिसको हमने चार का कॉलम दिया है, वहाँ पे भी हमें कार्ड बनाना है और उसी तरह से इसे कार्ड की डिटेल दिखानी है। हेडिंग देनी है इसको, प्राइस डिटेल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही इसके बॉर्डर दिखानी है इसको, तो हम इसको ऊपर वाले का जो हमने दिया हुआ है माय कार्ट वाले का उसी को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इसके नीचे हमने दिया है दोबारा से कार्ड कंटेंट की क्लास लगाई है और इसके अंदर हमने H6 में दिया है। ठीक है, प्राइस, और प्राइस के अंदर जो भी इसने आइटम लिए हैं, जैसे पांच लिए हैं, पांच आइटम्स, और उस पांच आइटम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, स्पेंड क्लास, ये हमारा आइकन है के बाद जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा वो यहाँ पे दिखाया है। और इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो हो गया इसकी प्राइस और ये हो गया इसका टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है इसका। रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये प्राइस आ गया, ये टोटल अमाउंट आ गया। इसको हम आर को डालना है H5 के अंदर, इसको बड़ा दिखाना है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके नीचे हमें दो बटन बनाने हैं। बटन बनाने के लिए अभी कमेंट बनाते हैं बटन सेक्शन। ठीक है, इसमें वही रो कॉलम में डालना है हमें सब कुछ कि हमारा डिज़ाइन एकदम प्रॉपर रहे, ताकि किसी भी स्क्रीन पे हमारा डिज़ाइन बिगड़े नहीं। तो इसको कॉलम देते हैं L6, M6, S6। इसको भी 6 ही रखना है। अब इसकी जो बटन हमने बनाया है ऊपर, उसी का एक बटन कॉपी कर लेते हैं। तो हमने बटन, ये तो लिंक दिए हैं, ठीक है, लिंक ही लेने हैं हमें, कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट करेंगे। ये फ्लैट बटन है, फ्लैट बटन नहीं दिखाने हमें। वेब इफेक्ट, वेब लाइट, ठीक है, यहाँ तक करके हमें छोड़ना है। इसको लिखना है शॉपिंग, कंटिन्यू शॉपिंग, और इसको क्या लिखना है, प्लेस ऑर्डर। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं इसको, और इसे लिखना है प्लेस ऑर्डर। ठीक है, ये हमने दो बटन भी बना लिए हैं, प्लेस ऑर्डर और कंटिन्यू शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो वो है विड्थ अभी कम है, तो शॉपिंग भी आ जाएगा जब हम इसकी फॉन्ट साइज़ को छोटा करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इसका जो डिज़ाइन का फॉर्मेट था वो हमने बना लिया कि इस तरह से हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी इसकी पूरी डिज़ाइन हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो
बेसिक डिज़ाइन तो हमने इसको कर लिया, अब इसको सेट करना है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो इस लेक्चर में इतना ही।